में चुनाव के पहले चरण वाले 5 जिलों के वोटर्स के साथ पीएम मोदी वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। यह यूपी में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी जन चौपाल है। मोदी ने कहा, ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियों को पर्दे के पीछे रहकर यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सीएम के पर्चे दाखिल में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता गोरखपुर में डेरा डाले हुए हैं। सीएम ने नामांकन दाखिल से पहले गोरखपुर को नमन किया। सीएम योगी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोरखपुर मंदिर गए। सीएम के नामांकन के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। पंजाब के होशियारपुर की चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसे। राजनाथ ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कहा उससे बेहद पीड़ा हुई। राहुल ने इतिहास को तोड़ने की कोशिश की। राहुल ने आरोप लगाया था कि हमारी गलत विदेश नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती हुई। राजनाथ ने कहा कि राहुल को इतिहास मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गुरुवार शाम AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें CRPF की जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है। पिछले शाम हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायर की। 2 बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद हो गया। पुलिस ने हमला करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने आरोप पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 1992 से अपने पद का गलत फायदा उठाया है। ईडी के मुताबिक अनिल देशमुख ने अवैध रूप से बहुत पैसा कमाया है। उन्होंने अवैध रूप से अर्जित किए गए रुपयों का उपयोग 13 कंपनियों में किया था। बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य होगा या ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, यह निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। केंद्र की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य स्थानीय स्थिति के आधार पर स्कूल खोलने का निर्णय ले सकते हैं। बच्चों के स्कूल जाने पर फैसला पेरेंट्स से बात करके होगा। बच्चे यदि स्कूल नहीं आना चाहते हैं तो उपस्थिति को लेकर छूट दी जाएगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी ने फिर पकड़ी रफ्तार। देश में एक्टिव केस की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। नए केस 1,40,000 के पार आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 1,49,394 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2,46,674 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 1,100 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 38,85,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 57,00,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.14 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को शनिवार को इंग्लैंड के साथ भिड़ना है। फाइनल से पहले टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन विराट कोहली ने युवा खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उन्हें टिप्स दिए। विराट अपनी कप्तानी में 2008 में भारतीय टीम को अंडर-19 चैंपियन बना चुके हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या तो बारिश करवाता है या आंधी लाता है। इसके चलते तेज हवाएं चली और निचले बादल छाए रहे। यही वजह रही कि फरवरी में सर्दी ने 19 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से 8 डिग्री कम रहा। इससे पहले 3 फरवरी 2003 में अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री रहा था। शुक्रवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि तापमान में सुधार होगा।